नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुकलैला चैनल के एक और नए व्लॉग में। और आज इस व्लॉग में जिस काम के लिए हम दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, वो काम कराने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है। और वो काम ये है कि मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, क्योंकि कॉलेज में ज़रूरत है EWS फॉर्म के लिए। और EWS फॉर्म के लिए हमारा जो खाता है वो खुल नहीं पा रहा है। अब मेरी ऐसी तैसी हो रही है, क्योंकि डेट जो है, ये लोग जो डेट बोल रहे हैं अकाउंट खुलने के लिए, वो बोल रहे हैं 6 तारीख को, और मेरे जो EWS की डेडलाइन है वो है 30 तारीख। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसलिए अब SBI में तो हो चुका, इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। अब यहाँ से दूर है, लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है सेंट्रल बैंक का। तो अब वहाँ पे चलेंगे हम, वहाँ पे चल के पता करते हैं। साथ साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि सिचुएशन भी दिखा सकूँ अपनी, और साथ में बिहार की सिचुएशन भी दिखा सकूँ कि जिस काम के लिए मैं दिल्ली से भाग के यहाँ पर आ रहा हूँ और वो काम भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो आदमी को कैसा फील होगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं भोरे। अभी कटिया बैंक में गए थे जब हम आपसे वीडियो पे बात कर रहे थे, अभी हम वहाँ से सीधे आ गए भोरे। भोरे आए थे सेंट्रल बैंक में, जो कि खजुराहो मोड़ पे। और यहाँ पे जाके पता चला कि जो माइनर अकाउंट है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना है, तो वो मेन ब्रांच में नहीं खुल के CSP पॉइंट पर खुलेगा। तो हम CSP पॉइंट पर भी आ गए हैं, और यहाँ पता चला कि अभी काम बन जाएगा हमारा। तो बस वही कुछ फ़ोटोज़ निकलवाने थे आधार कार्ड के, तो निकलवा लाए हम। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाँ जी, तो फाइनली हमारा काम जो है वो हो चुका है, हमारा CSP से अकाउंट जो है वो खुल चुका है आधार कार्ड के बेस पे। और शाम तक, लगभग शाम तक ये बता रहे हैं कि एक्टिव भी हो जाएगा। और मतलब मेन जो काम था वो हो चुका है, बट शाम को एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है। और रही बात स्टेट बैंक की, तो भाई साहब मेरा दिमाग एक बात पर खटका हुआ है कि स्टेट बैंक में जब मैं गया था तो मैंने मैनेजर से बात करी, कटिया स्टेट बैंक की बात है ये, मैंने मैनेजर से बात करी और मैनेजर साहब ने मुझे ये बोला कि आप जाके जो वो है अकाउंट मैनेजर है उससे जाके रिक्वेस्ट करो, मैं जाके रिक्वेस्ट करूं कि वो मेरा अकाउंट खोल दे। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे देश में जो है, हमारे सरकारी कामों में रिक्वेस्ट पे बातें क्यों चलती हैं, रिक्वेस्ट पे काम क्यों चलते हैं, जबकि आप जानते हैं कि सर्विस अगर देनी है, बैंक में सर्विस देनी है, तो सिस्टम के हिसाब से चलेगा या फिर रिक्वेस्ट के हिसाब से चलेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो सीधे सीधे बात आ जाती है कि जिसका अप्रोच होगा उसका काम हो जाएगा, और जिसका अप्रोच नहीं है उसका काम नहीं हो पाएगा। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस पर ध्यान दे सकता है तो प्लीज़ दे ले। और ऐसा जो सिचुएशन जो क्रिएट कर रहे हैं कि आपको कोई काम कराना है तो आपको अप्रोच लगाना पड़ेगा या फिर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ को थोड़ा ठीक किया जाए। बाकी हम चलते हैं आगे, अब काम हो चुका है, थोड़ा सा घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं अपना जो इलाका है वो दिखाते हैं आपको। अभी हमारा काम ख़त्म हो गया, टेंशन फ्री हो गए हम, तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा सा थोड़ा माइंड फ्रेश करा जाए, कुछ खाया पिया जाए और आपको भी दिखाया जाए। मैंने बोला था आप लोगों से कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था, जो कि अभी अपलोड नहीं करी मैंने, अभी अपलोड करूँगा मैं, जाके कहीं बैठ के आराम से उसको अपलोड करूँगा। मैंने उसमें बोला था कि आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊँगा, जितने भी दिल्ली के दोस्त बने हैं उनको मैं अपना थोड़ा सा इलाका दिखाने की कोशिश करूँगा, अपना एरिया दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अब फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, जो मेन काम था वो हो चुका है ऑलमोस्ट, शाम तक कंफर्म हो जाएगा, बट उसके चक्कर में मैं पढ़ूंगा नहीं अभी फ़िलहाल, जो है वो पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम थोड़ा सा है एंजॉय करेंगे चीज़ों को। जो अपने इलाके में ब्लॉगिंग करनी हो तो आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हो कि आपको दिखाएं क्या, ब्लॉग में दिखाएं क्या, लेकिन चूँकि मुझे अपने लोगों को दिखाना है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लेने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्या दिखाएँ। तो जैसे जैसे हम चलेंगे आगे दिखाएंगे, यहाँ से कुछ नज़ारा दिखा देते हैं आपको। तो फिलहाल हम उस दुकान में आ चुके हैं जहाँ पे जिस बार भी, जितनी बार भी मैं आता हूँ, अगर यहाँ पे ना आऊँ तो मेरा शायद ट्रिप हमेशा अधूरा रह जाता है। यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ के छोले समोसे भाई मेरी फेवरेट हैं, और यहाँ पे आके अगर छोले समोसे ना खाऊँ तो भाई अधूरा रह जाता है ट्रिप। तो फिलहाल जो हमारा यहाँ पे काम था वो, हमारा काम जो है वो पूरा हो चुका है, अभी हम चलेंगे अपने दूसरे काम पे। और बहुत सारा काम करना है आज, बाकी बुआ का भी कुछ काम है वो भी करना है, तो हम सीधे सीधे चलते हैं वहाँ पे। स्किप कर करके वीडियो आपको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि पूरे अगर वीडियो रिकॉर्ड कर तो वीडियो बहुत बड़ी बनेगी,
तो चलिए अब मिलते हैं आपसे कहाँ, ये मुझे खुद नहीं पता। फिलहाल मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रुक के आपको थोड़ा सा रोड दिखा दूँ। ये रोड बिल्कुल सीधी है, मैं मतलब लोकल मार्केट से 5-6 किलोमीटर दूर जाके मेरा गांव है, लेकिन ये रोड जो है वो बिल्कुल सीधी है और यहाँ पे गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा आता है। दोनों बगल खेत और बीच में ये सड़क, एक अलग ही मज़ा आता है इस पर गाड़ी चलाने में। लेकिन यहाँ की मतलब बिहार के रूरल रोड की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन होता है, सिंगल लाइन, और इस पे से टू वे व्हीकल चलती हैं, मतलब दोनों साइड से व्हीकल चलती हैं, लेकिन सिंगल लेन है ये, और इसीलिए यहाँ पे खतरा होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि कब कौन कहाँ से कट जाए और कब आपकी गाड़ी के सामने आ जाए ये कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए बस बहुत ही शानदार लोकेशन, अभी जैसा मौसम बना हुआ है शानदार फ़ोटोज़ आएंगी, लेकिन हमारे पास कैमरा नहीं है इसीलिए हम फोटोज़ यहाँ पे नहीं लेंगे। बट अभी मैं अपने फ़ोन से एक फ़ोटो लूँगा और वो मिलेगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो फटाफट से जाओ और फॉलो करें मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे। और ये रही मेरी बिल्लो। तो फिलहाल ये है मेरा गांव, ये है मेरा घर जो कि इस गांव में सबसे ऊंचा है, और इस बात की मुझे जरा सी भी घमंड नहीं है। तो फिलहाल मैं अपने घर में आ चुका हूँ। मेरा घर जो है ऊपर का जो पार्ट है वो फर्निश नहीं हुआ है, पूरा अच्छे से फर्निशिंग नहीं हुई है उससे, बस ईंट ईंट का है सीन। और ये कमरा है, बहुत सारे कमरे हैं यहाँ पर जो कि अभी यूज़ में नहीं है क्योंकि लोग ही नहीं है उतने ज़्यादा, और अचानक से मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, उसके बाद से बहुत ही मामला यहाँ पे अलग हो गया था। वैसे ये ऊपर का पूरा पोर्शन देख लो, पूरा का पूरा ही खाली रहता है, और मैंने जिस रूम में आपको दिखाई थी ये रूम एक टाइम पे मेरे मम्मी का हुआ करता था, बट उसके बाद से बहुत सारे सिचुएशन में चेंजेस आ गए। आगे आप बने रहोगे साथ साथ, और मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ यहाँ पे, 3-4 महीने के बाद आया हूँ, लेकिन ये सिचुएशन देखोगे आप तो हर जगह पर धूल जमी हुई है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो ये शीशा जो है ये मैं आपको अगर ऐसे करके दिखाऊं, ये देखो आप देख रहे हो पूरी धूल जमी हुई है। ये देखो मेरे चश्मे का कनेक्शन, इतने सारे चश्मे हैं मेरे यहाँ पे, इतने सारे चश्मे, पूरे अंदर चश्मे भरे हुए हैं, सामान है यहाँ पे पूरा। ये बेड भी मुझे लगता है बहुत सारे दिन से यूज़ नहीं हुआ होगा, पूरी मिट्टी आ रही है। तो चीज़ें हैं कुछ जो देखो, ये आप मेरी बुक देख सकते हो, बुक की कंडीशन ऐसी है कि ये देखो सब देख सकते हो आप, ये पूरी देखो धूल, कोई रहता नहीं है, उतने ज़्यादा लोग नहीं रहते घर में कि इन्वॉल्वमेंट हो पूरे रूम में, और जब सब रूम में अगर कोई नहीं रह पाता तो कितने दिन तक कुछ चीज़ें साफ़ सुथरा रखी जा सकती हैं, और कभी कभी साफ़ सफाई हो जाती है, बट ये रेगुलर इतने बड़े घर को साफ़ करना पॉसिबल भी नहीं है। तो जो चीज़ें हैं, ये दिवाली के पटाखे कुछ रखे हुए अंदर, इसमें आपको पता होगा दिवाली के पटाखे खरीदे मैंने ही थे, बट मन चला गया, मन अब पटाखे फोड़ने का मन नहीं करता, इसमें पड़े हुए हैं बस। और आपको एक और इंसान के रूबरू कराते हैं, ये देखो ये सस्ते जुगाड़ पे बना हुआ एक फ्रेम, और ये है मेरी मम्मी आपको, और ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो आप सब देखोगे पूरी धूल जमी पड़ी है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी धूल जमी पड़ी है। ये देखो ये अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिले हैं कुछ मुझे चीज़ों के, तो ये सब मैंने रखा है यहाँ पे, सब वही बता रहे हैं ना कि साफ़ सुथरा नहीं हो पाता। ये देख रहे हो पूरी की पूरी गंदी पड़ी हुई है, जब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो आपको खुद पता है मैं 3 महीने पे आया हूँ, बट 2 दिन के लिए आया हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ। यही रीज़न है कि मैं आप लोगों से बोला था कि मैंने कभी घमंड नहीं करता अपने बड़े से बंगले पे, क्योंकि घमंड करने लायक कुछ है नहीं। अगर आप इधर जाइएगा तो इधर से दिखेगा हमारा अपना बगीचा, ये है हमारा बगीचा, काफ़ी दूर में है ये है, और इधर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया। तो ये हमारा गांव है, ये सामने जो आपको एक वो घर दिख रहा है ये हमारे चाचा का घर है, और बाकी सब पड़ोसी, ये मेरे बड़े पापा का घर है,
तो ये चीज़ें थी मैं अपने, और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि गांव में घर कैसा होता है। देख लो भाई, गांव में घर ऐसे ही होते हैं, बड़े बड़े बंगलों होते हैं। बाकी जो है सिचुएशन जो है, सिचुएशन के बारे में आगे चल के आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। कुछ लोग जो हैं साथ में रहते हैं, बहुत पहले से जो साथ में हैं, दोस्त हैं, यार हैं, स्कूल के दोस्त हैं, तो उन्हें कुछ कुछ चीज़ें पता भी हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, तो धीरे धीरे साथ में रहते रहते आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाऊंगा कभी किसी इसी चीज़ के ऊपर कि क्या सिचुएशंस है मेरे साथ, बट हाँ धीरे धीरे करके ये चीज़ें पता लग जाएंगी आपको वीडियोस में, और जैसे जैसे आप साथ में रहोगे आपको चीज़ें पता चलते जाएंगी। एक पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं खुद उतना ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहता, तो आप समझ सकते हो। बाकी ये कुछ आपको दिखा दिया मैंने, गाँव की सड़कें दिखा दी आते हुए, जो शॉर्ट्स देख रहे थे आप, वो गाँव की सड़कें हैं, और बाकी ये सब देख सकते हो आप। मैं और भी कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ आप। जो लोग गांव से बिलोंग नहीं करते और जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते, भाई तुम्हें सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है ये स्टोरेज बॉक्स हैं, अगर तुम्हारी लैंग्वेज में बात करें तो ये स्टोरेज बॉक्स हैं जहाँ पे ग्रेन्स जो हैं, ग्रेन्स को स्टोर करा जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे कि अभी गेहूँ का सीज़न है या फिर चावल का सीज़न है, तो वो सीज़न में जब कट के आती हैं, फसलें कट के आती हैं और वो जब पूरी की पूरी बन जा तैयार हो जाती हैं यूज़ के लिए, तो उन्हें इन सब चीज़ों में स्टोर करा जाता है। ये मिट्टी के बने होते हैं और इनमें स्टोर करा जाता है उसको, ताकि वो आगे के लिए काम में आ सकें। तो ये चीज़ है एक दिखाने लायक आपको। ये लगभग गांव में हर जगह आपको देखने को मिलेगी ये चीज़, क्योंकि ये जो चीज़ होती है यहाँ पे आपको गाय भैंस अगर गांव में अगर किसी ने रखा होता है तो वो इसमें रखते हैं। इसको कई जगह कई अलग अलग नामों से जानते हैं, कहीं कहीं इसको वो खटाल बोलते हैं, कहीं कहीं इसे घारी बोलते हैं, कहीं कहीं बहुत कुछ बोलते हैं इसको। तो ये चीज़ें होती हैं, और बाकी ये सब देख रहे हो। गांव में सबसे अच्छी बात ये है कि आपके लिए भरपूर स्पेस होता है, आप जितना चाहो उतना घूम सकते हो, आप अपने ही एरिया में घूम के काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में इतना जितना मेरा ये बगीचा है उतना बड़ा पार्क नहीं होता कोई। तो पहले जो था गाँव में एक दिक्कत आती थी कि जो सामान थे, चाहे वो कुछ कोई भी सामान हो गया, उसको ख़रीदने में दिक्कत होती थी क्योंकि दुकानें जो हैं इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे दूध वगैरह के लिए भी बस जिसके पास गाय है उससे अप्रोच लगाना पड़ता था, उसे ख़रीदना पड़ता था। लेकिन अब फ़िलहाल के सिचुएशन में ये सब दिक्कत ख़त्म हो चुकी है। लगभग गाँव शहर की जो चीज़ें हैं वो भी गाँव में मिलती हैं। यहाँ बात यह अलग है कि थोड़ी सी दूरी जो है वो ज़रूर है अभी भी, क्योंकि यहाँ से आपको गाँव से बाहर निकलना पड़ता है तब जाके आपको चीज़ें मिलती हैं। बाकी कितने सारे गांव हैं जो और थोड़ा डेवलप है, वहाँ पे गांव के अंदर ही चीज़ें मिल जाती हैं। दूध वगैरह अब पॉकेट के मिलने लगे यहाँ पे, पहले पॉकेट के दूध वगैरह नहीं मिलते थे क्योंकि चीज़ें दूर पड़ती थी, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ से आते आते दूध की तो ऐसी तैसी हो ही जाती। फ़िलहाल बहुत तेज़ हवा चल रहा है और आप खुद महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को। गाँव में आने का एक अलग ही मज़ा है, बट मुझे इस चीज़ का वो है कि दो ही दिन के लिए आऊँ मैं सिर्फ, और मैं अपने शहर को भी मिस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त अभी नए नए बने हैं वहाँ पे, और उनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है फ़िलहाल। और गांव के भी अपने मज़े हैं, शहर के भी अपने मज़े हैं। जो शहर में रहते हैं वो गांव मिस करते हैं, और जो गांव में रहते हैं वो शहर मिस करते हैं। ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। और अभी हम ये गांव से बाहर निकल चुके हैं, हमें दूसरा भी काम है, हम वो कराने जा रहे हैं, और कल में भी कल हम निकल जाए वापस से दिल्ली के लिए, क्योंकि जो हमारा काम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, और रात को अगर कंफर्म हो गया कल हम निकल जाएंगे। बस तो गांव का सफर यही छोटी सी थी हमारी, और आगे चलते हैं, जो भी काम है थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो है गोलगप्पे जो है 10 के 8 पीस हैं, और आप लोग के इधर कितने के मिलते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मुझे पता है दिल्ली वाले लोगों के लिए शॉकिंग है और हार्ट ब्रेकिंग भी है, और आप देख सकते हैं नज़ारा भी, रोड भी काफ़ी सही है। और जितने लोग बोलते हैं कि बिहार में रोड ख़राब है, भाई तुम लोग देख लो यार, देख लो, मैं हाथ में फ़ोन लेके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मस्त मक्खन जैसी रोड पे चल रहा हूँ। अब बोलो कौन बोलता है कि भाई बिहार का रोड खराब है। देखो लोग सनसनाते हुए निकल रहे हैं, अभी मैं वीडियो बंद ना करूँ तो कोई मुझे ठोक के निकल जाएगा। तो चलो आपसे मिलते हैं आगे। दूर दूर तक देखोगे, दूर दूर तक खेतों में पके हुए वो दिख रहे हैं, फसल दिख रहे हैं, दूर दूर तक देखो।
कुछ बेनिफिट्स हैं कुछ नुकसान है। देखो शहर में कितने भी फ़ायदे हों कितने भी फैसिलिटीज़ हों, लेकिन सही बताऊँ तो एक कदम की जगह दिख जाए ना खाली, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। सड़कें तो छोड़ो यार, गलियां इतनी पतली हैं कि आदमी अगर दो साथ में निकले तो वो भी आपस में रगड़ खा जाए। यहाँ तो फिर भी इतना ज़्यादा खुलापन है, हवाएं, मस्त मौसम, बातें तो हैं भाई। कुछ गांव के भी अपने फ़ायदे हैं, शहर के अपने फ़ायदे हैं। तो अभी फ़िलहाल शाम के 7 बज रहे हैं और हम हैं वापस से कटिया में आ गए हैं, जहाँ पहली बार बैंक के लिए आए थे SBI के लिए, वहाँ पे दोबारा आ गए हैं। और यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि बुआ जो है अंदर कुछ काम कर रही हैं अपने, मतलब शादी है, शादी के लिए शॉपिंग करनी है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की शॉपिंग करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं हम। और मुझे लेने हैं जूते, तो मुझे लेने हैं जूते, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कटिया में। और यहाँ पर अभी जूते लेंगे, और जो लोग मेरे साथ रहे उन्हें पता ही है कि मैं जो हूँ वो हर चीज़ डिस्काउंट करा के लेता हूँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी आया हूँ और मैं जूते भी यहाँ से ख़रीदने जा रहा हूँ। मैं तो एक जूता लेते हैं मस्त सा कोई और फिर निकल जाते हैं। भगवान ने इतने सुंदर और इतने छोटे छोटे पैर दिए हैं कि साइज ही नहीं मिल रहा है। पूरे मार्केट में कहीं भी मेरे पैर की साइज़ के जूते नहीं हैं, ये भी ठीक है। चलो भाई, तो जूते तो नहीं मिले, हम चलते हैं फिलहाल घर, और घर पे चल के कुछ नोट्स के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। तो बस यही था आज का, जितना भी था मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। स्पेशल नोट कुछ भी नहीं रहा आज का, जो भी था बस दौड़ने भागने में निकल गया दिन। और जहाँ तक मुझे पता है कल मुझे निकलना पड़ेगा वापस दिल्ली के लिए, तो कल का भी दिन ऐसे ही गुजर जाएगा और फिर कल शायद एक ट्रैवल का ही वीडियो वापस से बनाना पड़े। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो थोड़ी बहुत लेकिन इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपका काम है, तो अपना काम फटाफट से कर दीजिए। और नई वीडियो लेके आना हमारा काम है, तो हम अपना काम करते रहेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।